बेतिया में हुए शराब कांड को लेकर के लगातार बिहार में सियासत तेज है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री माफियाओं के साथ मौज कर रहे हैं जबकि गरीब जेल में है। आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार, कथित शराबबंदी, अवैध कारोबार, अनगिनत मौतें, लाखों गरीब जेल में, मुख्यमंत्री माफिया के साथ मौज में। आपको बताएं कि बीते दिन जिस तरीके से पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब पीने की वजह से कुल अभी तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी कई लोग जो हैं निजी और सरकारी अस्पतालों में एडमिट हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और इसका सीधा कारण बताया जा रहा है कि क्योंकि लोगों ने जहरीली शराब पी थी, इस वजह से उनकी मौतें हुई हैं। हालांकि पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। प्रशासन की तरफ से अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 जो चौकीदार हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है, तो फिर आखिर बिहार में अवैध शराब आया कहां से? अब इसी को लेकर के विपक्ष जो है नीतीश कुमार की सरकार का घेराव करते नहीं थक रहे हैं। बीते ही दिन आरजेडी सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी शराब माफियाओं के साथ संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद 20,000 करोड़ के अवैध कारोबार में नीतीश कुमार और उनके तमाम अधिकारी जो है संलिप्त है, इसमें शामिल है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो माफियाओं के साथ मौज कर रहे हैं, जबकि गरीब जो है वो जेल में बंद है। आपको हम बता दें कि जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई, उन सबों का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि स्थानीय चौकीदार के माध्यम से पुलिस मैसेज भिजवा रहे थे, उसी मैसेज के आधार पर सबों का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बताएं कि मृतकों और बीमार लोगों के परिजन बता रहे हैं कि सब ने शराब पी थी, जिसके बाद ये सब हुआ है। तो बिहार में जहां एक तरफ शराबबंदी कानून लागू है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी लोग जो है शराब का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो गई हैं। ये जो मामला है ये पूरा पश्चिम चंपारण से निकलकर सामने आ रहा है। कल तक जहां 9 लोगों की मौत हुई थी, वहीं आज ये बढ़कर 16 लोग हो गए, मतलब कि अभी तक कुल 16 लोगों की जहरीली शराब पीने के वजह से जान चली गई है। वहीं इस बीच जब बिहार की डेप्यूटी सीएम रेणु देवी से सवाल किया जाता है, तो वो सिरे से इसे नकार देती है और कहती है कि प्रशासन जांच में जुटी हुई है, लेकिन ग्रामीण कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। जबकि ग्रामीण लगातार ये बातें कह रहे हैं गांव के लोग कि शराब जो है जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव 18 और 19 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। उनका ये आंदोलन 18 और 19 जुलाई दोनों दिन ही चलेगा। ये आंदोलन है देश में बढ़ते महंगाई के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना था कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने ये बातें कही कि कहा गया था सरकार की तरफ से कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के नाम पर लोगों को क्या मिल रहा है, तो सिर्फ महंगाई। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने ये फैसला लिया है। वहीं इस बीच जिस तरीके से पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब का मामला सामने आया है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार का घेराव किया है और उनपे बड़े आरोप लगाए हैं। फिलहाल इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।